हाय माय डियर फ्रेंड्स, तो आज फिर हम अपना मैथ्स का क्लास जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का क्लास को लेकर आए हैं। तो आज हम रीजनिंग का क्लास को करेंगे, तो चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग पे ये प्रॉब्लम हर एक मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम पर ही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर ही आता है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, तो इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसे सोल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड आप लोग को यूज़ करना है। इधर वन, इधर टू, टोटल कितना हुआ, एक दो तीन, एड करना है आपको, ठीक है। सिंपल सा आंसर है आपको ऐड करना है, इसका आंसर होगा थ्री, ठीक है। आपको सिर्फ ऐड करना है, इसका वन टू थ्री कितना हुआ, एक दो तीन हो गया, तीन तीन छः, ऐड करने से कितना निकल गया, छः। यहाँ पर सिक्स सर्कल्स है, सिक्स ट्राइंगल्स है, सॉरी, यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स है और यहाँ पर कितना है ट्राइंगल्स है, सिक्स ट्राइंगल्स है। अगर आप लोग हिसाब करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर कितना है, फाइव है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अपना लॉजिक लगाया और अपना क्या किया, आंसर को निकाल लिया। तो इस तरह से आप उनका करना है। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक है, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इधर में नाइन है और नीचे में वन टू थ्री, ऐसे करके यहाँ पर भी नाइन है ना। तो यहाँ से वन से नाइन तक ऐड करो, जितना भी आएगा उसको फिर प्लस करो, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये करने से भी होगा, प्लस करके जितना भी आंसर निकलेगा वही इसका आंसर होगा, या फिर यहाँ पर जितना निकलेगा उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो वही होगा आंसर, क्योंकि सेम चीज़ दो बार है ना रिपीटेड, इसलिए यहाँ पर डबल हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ हम लोग अगर यहाँ पर नाइन तक ऐड करते, दो वन तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस सात 28, 28, 8, 36, 36, 9 हो जाएगा अपना 45, ठीक सर। 45 into 2 करो, कितना होगा आंसर 90, इस तरह से आप लोग करो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ये ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वन टू थ्री फोर यहाँ पर कितना है, वन टू, इन सारों को ऐड करो, जो भी होगा आंसर वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर होगा वन टू थ्री, ठीक है। ये ऐसे करना है अपन को, तो जितना भी होगा आंसर वही होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं अपन इन दो प्रॉब्लम्स को। अभी बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। ये पर स्क्वायर पर अगर है तो हम लोग कैसे करें, सिंपल सा जो भी है, जो भी आंसर, जितने भी ट्राइंगल्स है उसको दो से मल्टीप्लाई करना है अपन को, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक दो तीन चार ट्राइंगल्स है, चार को हम लोग क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा अपना आंसर, होगा एट, ठीक है। इसका आंसर होगा एट। यहाँ पर भी वैसे ही है, अपन को सिर्फ करना है, इधर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट ट्राइंगल्स है, एट ट्राइंगल्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा, कितना ट्राइंगल्स है इस पर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी हाँ पहले इजी वाला कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, फाइव ऐसे लाइन्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। तो यहाँ का आंसर होगा सिंपल सा, फाइव ट्राइंगल्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर वन टू थ्री फोर, यहाँ पर कितने हैं, फोर ट्राइंगल्स यहाँ पर मौजूद है, सिंपल सा। यहाँ पर वन टू थ्री, यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स मौजूद है, थ्री ट्राइंगल्स मौजूद है। देखो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसी को बाहर कहीं और भी है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर दो बार है, तो एट इंटू टू यहाँ पर था, तो इधर पर कितना होगा ना, इसका चीज़ हम लोग कितना मिला था, इसका इसके लिए मिला था एट टू जो सिक्सटीन, तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए भी कितना मिलेगा, सिक्सटीन ही मिलेगा, है कि नहीं। तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कितना होगा, थर्टी टू मिलेगा आंसर। तो आप लोग कर लेना, इसका आंसर थर्टी टू ही मिलेगा, शॉर्टकट याद रखने के लिए यही चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ का आंसर कितना मिला हम लोग को, सिक्सटीन मिला ना, इसका वैल्यू सिक्सटीन है, ठीक है। यह कॉम्प्लीट चीज़ का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, सिक्सटीन है। और इससे पैरेलल है, सेम लाइन है, ये भी ये सेम लाइन है, और ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ठीक है। जब भी इस तरह का सेम लाइन पर बढ़ता ही जाता है कहीं पर बिना रुकावट के,
तो हम लोग का आंसर इसको सिर्फ डबल करना है। अगर यहाँ पर और एक बॉक्स होता तो फिर हम क्या करते, अगर ऐसा होता तो अपना क्या करते, इसके लिए 16 होता, इसके लिए 16 होता और इसके लिए फिर से 16, तो 16 थ्री से कितना होगा, 16 को ऐड करो या फिर 16 थ्री से करो, सेम बात है। 6 थ्री से 18 का 8 इधर पे हो जाएगा 48, ठीक है, इससे अपन को करना है। तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अभी स्क्वायर के बाद अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एडवांस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप इस तरह का एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर पर क्या है, एक ट्राइंगल अगर सीमित है, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर और एक ट्राइंगल है तो ऐसे में हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, 2, ठीक है, 3, 4 और ये बाहर का है 5, टोटल कितना है 5, लेकिन ट्राइंगल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 चार ट्राइंगल्स और एक बाहर का ट्राइंगल, टोटल है 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। बाहर वाला छोड़ देते हैं हम लोग, अंदर पर कितना ट्राइंगल्स है, 4 ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका टोटल अगर इसमें हम लोग को ट्राइंगल्स पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी इसी लॉजिक को अप्लाई करके ये सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर पर ये है ट्राइंगल, तो इसके लिए कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, मानते हो आप लोग। अभी सेम चीज़ है, इसके अंदर पर है ये ट्राइंगल, ठीक है, इसके लिए हम लोग कितना पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे, ठीक है, और बाहर वाला 1, तो कितना हुआ, 9 ट्राइंगल्स, ठीक है, समझ में आ गए। फिर से समझ में नहीं आया तो ये वाला ट्राइंगल के अंदर पर ये ट्राइंगल है, इसके लिए हम लोग मानेंगे 4, ये वाला ट्राइंगल के अंदर पर ये वाला ट्राइंगल है, इसके लिए मानेंगे 4, और ये बाहर वाला ट्राइंगल इसके लिए मानेंगे हम लोग 1, तो टोटल अपना बन गया 9, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अभी इसको देखते थोड़ा सा, ठीक है, पहले इसको देख लेते, अभी इसको ही देख लेते, कोई बात नहीं। इसके अंदर पर ये है तो इसके लिए कितना है, 4 है, ठीक है। तो एक स्टिक के लिए हमेशा 2 ट्राइंगल्स बनते हैं एक से, ठीक है, 2 बन रहे हैं ना, 1, 2, इसके लिए हमेशा बनते हैं 2, इससे बनते हैं 2, ठीक है। तो टोटल ट्राइंगल्स कितना हो गया, देखो सबसे पहले बात, ये वाला ट्राइंगल के अंदर पर ये वाला ट्राइंगल है तो इसके लिए कितना हुआ, 4, 4+1, तो इसके लिए बन गया 5, ठीक है। अभी इसके लिए ये वाला लाइन से सपोज एक ट्राइंगल है, अगर इस तरह का ट्राइंगल है, इधर जाता है, अगर ये चीज़ भी ऐसे होता है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बनाया, तो ये वाला लाइन जो है ना, ये 2 ट्राइंगल को डिनोट करता है, ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ है, इसे आप लोग याद कर लो अच्छी तरह से। ये 2 ट्राइंगल को डिनोट करता है, ये वाला लाइन 2 ट्राइंगल को डिनोट करता है, ये वाला लाइन 2 ट्राइंगल को डिनोट करता है, और ये वाला तो 4 को करता ही है, और बाहर का 1 है ये आउटर मोस्ट, तो टोटल कितने हुए हिसाब कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर। तो सेम लॉजिक देखो, ये ट्राइंगल के अंदर पर ये ट्राइंगल्स है, इसके लिए है 4, ठीक है ना। अभी ये ट्राइंगल के अंदर पर ये ट्राइंगल है, इसके लिए है 4, अभी ये ट्राइंगल के अंदर पर ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके लिए है 4, ठीक है, 4, 8, 12 तो ऐसे भी बन गए, आउटर मोस्ट के लिए 1, 13 तो बन ही गए, अभी इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, 2, 4, 6 कितने हुए, 19 ट्राइंगल्स, ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर लो। और अगर ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग एकदम से पहले एक बार रिवीजन करके जा सकते हो, ठीक है, अपनी ओर से। देखो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करते रहोगे तभी याद रहेगा, अगर अचानक एक दिन करने लगोगे तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपना कितना ट्राइंगल्स बनते हैं, तो चलो शुरू करते हैं इससे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख देना कितना होगा, ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है।
इसका आंसर होगा कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 थोड़ी देर पहले शायद यही वाला मैंने कराया था, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं इस ट्राइंगल पर। इसके लिए कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, सिंपल सा आंसर है, तो अच्छे से देखो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक बाहर वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक अंदर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये सब तो ट्राइंगल ही नहीं ना, ऐसा ट्राइंगल से ये वाला नहीं है ना, ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी आप लोग देख लो कितना ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इससे एक, इससे दो, है कि नहीं। यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक दो तीन, यहाँ पर भी एक दो, एक दो, ये वाला मैंने कराया था ना आप लोगों को। यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है, मैंने क्या कहा था, दो लाइंस, एक लाइंस, दो लाइंस, दो लाइंस के लिए कितने ट्राइंगल्स बन रहे, दो ट्राइंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पर दो लाइंस के लिए दो ट्राइंगल्स बन रहे, ठीक है, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है। इधर पे भी एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छे से देखो ना कितना सारे बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, दो तो बन ही गए, ठीक है ना। अभी इसके बाद मैंने क्या कहा था, दो तो ऑलरेडी यहाँ पर बन गए, ये और ये, ठीक है। अभी मैंने अगर ये लाइन और ये लाइन से कितना हुआ, दो ट्राइंगल्स इधर बन रहे, दो ट्राइंगल्स इधर, दो ट्राइंगल्स इधर, छह ट्राइंगल्स इधर बन गए, तो कितने ट्राइंगल्स टोटल बन रहे, एट ट्राइंगल्स बन रहे ना, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अभी ये वाला, ओके ये वाला भी हो गया। अभी ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स पर पिन करके रख देता हूँ, इसका आंसर आप लोग देख लेना, आप लोग अपनी ओर से सोल्व करो, ठीक है। ये भी आपको देखने पर पाजल लगता है, लेकिन पाजल है नहीं, अच्छी तरह से देखो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो आपको बोला ये, अगर ये चीज़ें एक ट्राइंगल के अंदर पर, तो आंसर कितना होगा, वो तो ही, और अभी ये है, ये है, ये है, थोड़ा सा हिंट भी आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर पर ये एक्स्ट्रा कितने हैं, इसके अंदर पर एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, वो चीज़ आपको हिसाब करना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल सबसे पहले स्टार्टिंग से पकड़ते हैं हम लोग, ये है, इसके अंदर पर कितने हैं इसे भी हिसाब कर लो, ठीक है। ये वाला हिसाब करना आपका काम है, यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर पर, इसका बाहर को कभी भी हिसाब मत करना, क्योंकि ये वाला से इसका बाहर पर जितना भी है इसका आंसर तो आप लोगों को निकल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना वाला कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने के लिए कितना करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी ये ट्राइंगल ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो इधर में कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अभी इधर भी सेम लॉजिक लगाना है, इधर पर बन रहे हैं 3, इधर पर बन रहे हैं 3, इधर पे बन रहे थे 3, 6, 9 तो अंदर ही बन रहे, उसके बाद ये वाला के कारण 4 बन रहे, अभी बाहर के कारण 1 बन रहा है, अभी इसके कारण 2, 2, 2, 2, 4, 6 बन रहा है। तो आंसर ऐसे ही आप लोग को निकालना है, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा। ऑलरेडी इसका आंसर मैंने बोल दिया, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए और इसका आंसर भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये सब अच्छे से देख लेना, यही में से कोई एक आए थे आने का ज़्यादातर चांस है। इसके लिए आप लोग को इतना दिमाग कोई नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये चार्ट याद रखना है। ये चार्ट अगर याद रख लोगे तो ये पूरा सम्स इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इधर पर 1, 2, 3, इधर पर भी 3 बन रहा है, ठीक है, इधर पर भी 1, 2, 3, यानी कि कौन सा है, 3 वाला है, 3 के लिए आंसर डायरेक्टली 13 है। यहाँ पर टोटल 13 ट्राइंगल्स है, ठीक है। अभी इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, इधर पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 के लिए 48 है आंसर। इसी तरह से आप लोग याद कर सकते हो, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, इससे आप लोग इजीली याद कर सकते हो, ओके। इसको याद करने का इजी मेथड है, तो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। पर 5 कब हो सकता है, याद कर लो यहाँ से कैलकुलेशन हिसाब करके, ठीक, 13 कब हो सकता है,
सारी चीज़ों को ऐड करके देखो 27 कब हो सकता है, सारी चीज़ों को एक बार ऐड करके देखो, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ उतना जो भी था मैंने आप लोग को बोल दिया, तो आप लोग अभी अपनी ओर से एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका भी आंसर बोल देना होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर अगर निकल पाए तो इस पर आसाम पुलिस पर आपका बर्थडे श्योर है। इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से मतलब 1 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से ट्राई कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हर दिन एक एक 1-1 मार्क्स का भी कर लिया ना, अपने को ज़्यादा नहीं लगेगा 100 मार्क्स को कम्प्लीट करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।